हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम है ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच। मतलब ये निकलता है कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप कहलाएगा अगर ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच है, और फिर वापस में अगर ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच है तो सब ग्रुप है। दोनों तरफ से अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन पास, और अगर ये कंडीशन पास तो सब ग्रुप है। एक चीज़ मानते हुए चलूँगा, दूसरी का प्रूफ दूंगा, फिर दूसरी मानते हुए चलूँगा, पहली का प्रूफ दूंगा। ओके, सबसे पहले मैं मानता हूँ कि सब ग्रुप है, प्रूफ देने जा रहा हूँ बेटा। सपोज दैट, मैंने सबसे पहले यही किया, सपोज दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच सब ग्रुप है तो प्रूफ क्या करना है, देन टू प्रूव दैट अब मेरे को साबित करना है कि ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच है। क्या सिद्ध करना है, ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच है। ओके, देखो बेटा, आप अगर मान लिया एच सब ग्रुप है, क्या है मेरे को ये साबित करना है, यहाँ से लिख रहा हूँ, एच अगर सब ग्रुप है, एच इज ए सब ग्रुप, अगर ये सब ग्रुप है तो क्लियर सी बात है एच नॉन एम्प्टी होगा, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे ना, और अगर एच नॉन एम्प्टी है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। सपोज दैट इसके अंदर एक एलिमेंट है ए बिलोंग टू एच है, और सपोज दैट बी बिलोंग टू बी एच है। आप एक एलिमेंट मानना चाहते हो एक मान लो, दो मानना चाहते हो दो मान लो, अगर ए बिलोंग टू एच है और एच सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली एच ग्रुप है, ठीक है ना। अगर ए बिलोंग टू एच है और एच ग्रुप है तो ए इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। ओके, उसी की बात कर रहा हूँ, अगर ए बिलोंग टू एच है तो इसका मतलब ये निकलता है कि ए इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। अगर बी बिलोंग टू एच है और एच सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है बी इनवर्स बिलोंग टू एच होगा, क्लियर। और चूंकि एच सब ग्रुप है तो ए इनवर्स इंटू बी बिलोंग टू एच बी होगा, एंड ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। कहोगे क्यों, आपको बताया ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट ग्रुप के अंदर होता है उसका इनवर्स भी ग्रुप के अंदर होता है, और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई इंटू दूसरा एलिमेंट, आप चाहे जैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, उल्टा सीधा 10 एलिमेंट का गुणा कर लो, 20 का कर लो, 50 का कर लो, जो भी ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर है उन सब का मल्टीप्लिकेशन भी उस सब ग्रुप या ग्रुप के अंदर होता ही होता है, क्लियर। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास कंक्लूजन क्या निकलेगा, मेरे पास होगा कि ए बिलोंग टू एच होगा अगर बी बिलोंग टू एच है तो ए इनवर्स बिलोंग टू एच होगा, बी इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। मतलब क्या निकला, ए इंटू बी का इनवर्स दो एलिमेंट का गुना बिलोंग टू एच होगा, यही मेरे को साबित करना था। रिवर्स देखता हूँ, सपोज दैट एक तो आ चुका, अगेन सपोज दैट मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज दैट अब की बार मैंने क्या मान लिया कि ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, और ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच है, देन टू प्रूव दैट साबित क्या करना है, टू प्रूव दैट एच इज ए सब ग्रुप। क्लियर, सब ग्रुप की डेफिनेशन ये बोलती है बेटा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताई थी, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप इज सब ग्रुप इफ एच इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, डेफिनेशन ही बोल रहा हूँ, एच सब ग्रुप होगा इफ एच इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, अगर एच का ऑपरेशन और जी का ऑपरेशन सेम हो। ओके, यही बात मैं आपको बता चुका था, दो कंडीशन बताई थी, एच इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी पहली कंडीशन थी, और एच जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स को पास करता हो, तब एच जो है ग्रुप जी का सब ग्रुप कहलाता है। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे को दिखाना है एच इज सब ग्रुप ऑफ जी,
इसका मतलब क्या निकलता है? मेरे को दिखाना है कि टू प्रूव दैट, क्या साबित करना है? टू प्रूव दैट H इज क्लोज्ड, अंडर द ऑपरेशन, अंडर द ग्रुप ऑपरेशन, ये तो साबित करना है मेरे को, क्लियर है ना? मेरे को गिवन क्या है? मेरे को दे रखा है कि मेरे को गिवन है, गिवन दैट ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच है, क्लियर है ना? अगर मान लिया जाए, सपोज दैट, मैं कह रहा हूँ पहले ये कंडीशन देखता हूँ कि सपोज दैट अगर ए बराबर बी हो जाए, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर ए बराबर बी है, आपको भी बताया कि हर एक ग्रुप के अंदर कुछ देर के बाद एलिमेंट रिपीट होना शुरू होते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट अगर ए बराबर बी है, अगर ए बराबर बी है तो कंडीशन क्या निकल करके आएगी? ए बिलोंग टू एच होगा, बी बिलोंग टू एच होगा, ए बराबर बी अगर है तो ए बी का इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा? ए बी का इनवर्स बराबर होगा ए इंटू ए का इनवर्स, ए इंटू ए का इनवर्स हो जाएगा, और ए इंटू ए का इनवर्स कितना होता है? आइडेंटिटी होता है, ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच है, तो जाहिर सी बात है, देखो आप, जब ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच है, मैंने ए की जगह मैंने कितना डाल दिया? बी डाल दिया, तो कितना निकला? ए इंटू ए का इनवर्स बिलोंग टू एच, ए इंटू ए का इनवर्स कितना निकला? आइडेंटिटी बिलोंग टू एच, कितना हो जाएगा? ई, और ई बिलोंग टू एच अगर ऐसा है तो, क्लियर? आगे की बात करता हूँ। नाउ सपोज दैट, ओके, सो दैट, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? सो दैट एच हैव आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ऐसा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट रखता ही रखता है। आगे की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट, मान लिया जाए अब ई जो है ग्रुप के अंदर पहुँच चुका है, एच के अंदर पहुँच चुका है, ई बिलोंग टू एच है, ए बिलोंग बी एच है, ए बिलोंग टू एच है, इसके ऊपर कंडीशन लगाता हूँ ई इंटू ए इनवर्स की, जो मेरे को दे रखी है ए इंटू बी का इनवर्स। ई इंटू ए इनवर्स का मतलब क्या निकला? ई इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स निकलता है, ए इनवर्स बिलोंग टू एच होएगा ना। देखो ना यहाँ साहब, कैसे मैंने बी की जगह जो है, ए की जगह जो है ई लिया, मेरे पास है ई बिलोंग टू एच हो चुका, ए बिलोंग टू एच हो चुका, कंडीशन है ए इंटू बी का इनवर्स, मैंने लिखा ए इंटू ए का इनवर्स, ए इंटू ए का इनवर्स बिलोंग टू एच, मतलब क्या निकला? ए इंटू ए का इनवर्स कितना होता है? ए इनवर्स बिलोंग टू एच, इनवर्स एलिमेंट भी आ चुका। अगेन अगेन मैं क्या कह रहा हूँ कि ए बिलोंग टू एच है, आपके सामने है, बी बिलोंग्स टू एच है, आपके सामने है, आपको दे रखा है ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच है, क्लियर है ना? क्लियर। तो अगर ये बिलोंग टू एच है, मेरे को बताया कि इसका गुणा, इसका मल्टीप्लाई, इसका भाग, इसके इनवर्स का इनवर्स का इनवर्स का इनवर्स का इनवर्स का इनवर्स, सारे के सारे बिलोंग टू एच होंगे। गुणा भाग की बात तब कर रहा हूँ अगर ऑपरेशन गुणा और भाग का है, ओके? तो यहाँ से कितना निकल करके आएगा? ये बिलोंग टू एच है, अगर ये बिलोंग टू एच है तो मेरे पास होगा ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। आपको पता है बी इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है? बी होता है। तो कितना निकल जाएगा यहाँ से भाई? यहाँ से निकलेगा ए इंटू बी बिलोंग टू एच। अगर ए बी बिलोंग टू एच है, ए इंटू बी बिलोंग टू एच है, इसका मतलब क्या निकलता है? एच इज क्लोज्ड अंडर जी, अंडर जी ऑपरेशन, यही तो मतलब निकलता है ना, यही तो बताया था सबसे पहले आपने, अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। स्टार्टिंग में मैंने जब आपको ग्रुप की डेफिनेशन दी थी, यही स्टेटमेंट लिखा था कि अगर ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, तो ए बी बिलोंग टू एच होना चाहिए, ओके? तो उसी की तरफ आ चुका, ए इंटू बी बिलोंग टू एच, ए इंटू बी बिलोंग टू एच, एच इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, ठीक? तो क्या निकल गया? एच इज ए सब ग्रुप, हेंस प्रूफ
यही तो साबित करना था आपको। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है बेटा, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है, पहली प्रॉपर्टी दे रहा हूँ नंबर वन, कि अगर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, आपको याद रखना है छोटी छोटी सी बातें। अगर एच जी का सब ग्रुप है, पहली प्रॉपर्टी है एच इनवर्स बराबर ऑलवेज एच होगा, एच इनवर्स इज इक्वल टू हमेशा एच के होगा, पॉइंट नंबर वन। अगर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी है तो एच इनवर्स इज इक्वल टू एच होगा। प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर टू है एच इन टू एच बराबर ऑलवेज एच होगा। मतलब क्या निकलता है, अगर आप एच इन टू एच करते हो, चाहे 1000 बार गुना कर लो, लौट करके एच ही आएगा, आपको याद रखनी है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर एच सबसेट ऑफ, इफ नंबर थर्ड प्रॉपर्टी एच इज कॉम्प्लेक्स ऑफ जी हो, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, लास्ट लेक्चर के अंदर देखना मैंने कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन बताई थी। If H इज कॉम्प्लेक्स ऑफ G का मतलब निकलता है अगर H सबसेट ऑफ G हो। सबसेट कैसे होता है, मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, एक दूसरा सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। अगर B का हर एक एलिमेंट एक एलिमेंट है, अगर B का हर एक एलिमेंट एक एलिमेंट है तो मैं बोलता हूँ B सबसेट ऑफ A। ओके, ये सबसेट का निशान होता है, मेरे लास्ट के लेक्चर देखना। वही कह रहा हूँ कि H कॉम्प्लेक्स कहलाता है G का अगर H सबसेट हो G का। यहाँ ग्रुप की बात नहीं है, सब ग्रुप ना हो, सब ग्रुप की बात नहीं है, सिर्फ सबसेट हो। तो इसके लिए प्रॉपर्टी ये होती है बेटा, पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लिया एच के एल, दो ले लो आप, दो कॉम्प्लेक्स मान लो एच के और एल, ये कॉम्प्लेक्स हो यानी सबसेट हो, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी हो, यानी अगर ये तीनों के तीनों ग्रुप जी के क्या हैं, सबसेट हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिविटी होती है एच इंटू के इंटू एल बराबर होगा एच इंटू के इंटू एल, आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर टू होगी बेटा, अगर कॉम्प्लेक्स चीज है तब की बात है, प्रॉपर्टी नंबर टू होगी एच इंटू के का इनवर्स बराबर होगा के इनवर्स इंटू एच इनवर्स, जो ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज होती है। ओके, समझ आ चुकी मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही।